क्यों तुम्हारी हंसी का कारण प्रहस? मुझे इन कायरों की चिकनी चुपड़ी बातों पर हंसी आ गई पिताश्री। जरा इन वीर योद्धाओं से पूछिए कि जिस समय एक वानर ने सारा नगर जला दिया था उस समय इनकी वीरता कहां गई थी? जिस समय राम के बाण ने मारीच का हृदय बेदा था उस समय इनकी वीरता कहां गई थी? ये समय बाल विवाह का नहीं, कुछ सोचने और समझने का है। साथ ही साथ ये भी सोचना उचित होगा पिताश्री कि आपके ये वीर योद्धा आपके भय के कारण आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। परंतु याद रहे लंकेश, कपटी सरा मन में कपट रखकर मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं और समय आने पर पीठ दिखाकर भाग जाया करते हैं। तब तुम्हारे विचार क्या है प्रहर? अगर मेरे विचारों को मान्यता दी जाए तो मैं कहूंगा कि आप धर्म के रास्ते से डर जाना ही उचित है। अर्थात जनक नंदिनी को लौटा देने में ही हमारी चतुराई है पिताश्री। तो साफ सीधे शब्द न कहो, कायर बन जाऊं, अपनी वीरता के माथे पर कलंक का टीका लगवा लूं और जानकी को लौटाकर डरपोक कहलाओ। ये डर नहीं पिताश्री, कायरतापन नहीं अथवा मानवता है। इससे आपका कल्याण होगा, परलोक में आपको गति और इस लोक में आपको सम्मान मिलेगा। नेक कर्म, कोमल स्वभाव कायरतापन की निशानी नहीं अपितु वीरता की निशानी है पिताश्री, वीरता की निशानी है। मूर्ख हो गया है प्रहर, लगता है तू भी जो ही विश्व की तरह विश्वास जाती हो गया है। शर्म कर, शर्म कर, कुछ शर्म कर। मुझे समझने का प्रयास कीजिए पिताश्री, मैं विरोधी या गाय नहीं अपितु भाई आपका वीर पुत्र प्रस्त हूं। मैं आपके लिए और आपकी लड़का के लिए अपने प्राण तक भी लुटा सकता हूं। कागजे गायरपन की बातें क्यों बुलाता है? तू वीर लंकेश की संतान है, वीर का ही तेरी शान है बेटे, वीर का ही तेरी शान। समझता हूं पिताश्री, परंतु मार्ग में मुझे अधर्म की चट्टान दिख पड़ती है। आप इस मार्ग को छोड़ दीजिए तो फिर देखिए धर्म आपके साथ होगा, फिर देखिए आपका ये पुत्र काय है या वीर। पर हर मैं तुमसे उपदेश नहीं सुनना चाहता, पिता के नाते मैं आज्ञा देता हूं कि तुम मेरे शत्रु को शत्रु समझो और उनका वध करो। मैं आपकी आज्ञा मान्य है, किंतु 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 आप सीता को छोड़ दीजिए, तब ये स्याही आपके दामन से छूट जाएगी, धर्म आपके साथ होगा, फिर देखिए आप अपने पुत्र का पराक्रम। कि तब तक मैं सर झुकाए रहूंगा जब तक सीता आपकी बंदी है। फिर वही कायरता की बात, फिर मेरे शत्रु की हमारे। पर हाल तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, मेरा क्रोध प्रलय है। कुछ भी हो पिताजी, मैं आपके हां में हां मिलाने का आदि नहीं। अब तेरी ये हां टटर समझो, निसंदेह तुम मेरे साथ युद्ध में नहीं होगे। जी नहीं, लंकेश की आज्ञा व्यर्थ, ऐसा ही समझे। और निर्लज प्रहर, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मान से नहीं अपमान से दूर हो जा मेरी दृष्टि से, जहां तुम्हारा तो ही चचा चला गया है। सेनापति, इसे धक्के देकर दीवार से बाहर निकाल दो। लंकेश की आंखों पर पता गिर चुका है और यहां की सेना के हाथों में मेहंदी लग चुकी है। पिताजी, इन्हें उठने का कष्ट ना दीजिए, मैं स्वयं यहां से चला जाता हूं। परंतु याद रखे, लंका की ही शहीद बच जाएगी, लंका की ही शहीद बच जाएगी। याद रखे पिताजी, लंका की ही शहीद बच जाएगी।
मूर्ख कहीं का अपने पिता को शिक्षा देने चला, जिसने उसे दूध पिलाना सिखाया उस रावण को शिक्षा देने चला, जिसने संसार में विजय प्राप्त की हो, ब्रह्मा जिसका आज्ञाकारी हो, जमदूत जिसका प्रहारी हो, उस रावण को शिक्षा देने चला, उसकी संतान बुद्धिहीन मलिन सेनापति आपके जय जय घोष गूंजते हैं। किसी मानव जाति का तो कहना ही क्या, सुबह शिव ब्रह्मा और विष्णु आपके सेवक हैं। लंकपति लंकापति नहीं, त्रिभुवनपति कहो। त्रिभुवनपति महाराज लंकेश की, त्रिभुवनपति महाराज लंकेश की, त्रिभुवनपति महाराज लंकेश की। ये झूठे जयकारे लगा देने से किसी की जहरी हो जाती लंकेश। ये ऊंची ऊंची कल्पनाएं केवल शर्बत की मुस्कान है जो दूसरे ही क्षण आंसू में बदल सकती है। कौन हो तुम? आंखों से अभिमान का आंचल उठाकर तो देख, तो मानव दृष्टि से मानव भी दिख पड़ता हो लंकेश। अपने वाक्यों को विराम दो माना और उत्तर दो, बिना आज्ञा लंकेश के राजभवन में आने का साहस कैसे किया तुमने? तो आगे